वो कह रहे हैं कि संविधान को बदलने की जरूरत है, क्या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी खत्म हो जाएंगे, उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है क्या, उसने उस संविधान में क्या आगे गलती की गई है कि उसे दोबारा बदलने की जरूरत है। इसलिए जो लोग इस तरह से कह रहे हैं वो हम जो भारत के जो लोग हैं, भारतवासी हैं, उन लोगों को बदलने के लिए, आपस में लड़वाने के लिए संविधान को लागू करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो एक ऐसा संविधान बनाने की सोच रहे हैं जहाँ पे महिलाओं को, समझ लो कि उनका मानसिक शारीरिक आर्थिक तरह से शोषण हो, उन्हें बोलने की आज़ादी ना हो। लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान लिखा वो भारत के सभी धर्म, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर जैन हो, मुस्लिम हो, हर किसी के लिए संविधान बराबर है। लेकिन होने जिस संविधान की वो बात कर रहे हैं उसके अंदर एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज को जगह नहीं मिलेगी। आप नए संविधान से डर क्यों रहे हैं? यहाँ डरने वाली बात नहीं है सर, उस संविधान में कमी क्या है मुझे ये बताएं, उस संविधान में आखिर कमी क्या है कि उसे बदलने की जरूरत है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो इतने उपाधियों से भारत रत्न संविधान के जो निर्माता हैं, उन्होंने एक ऐसे संविधान, उस समय जब इतने बड़े बड़े दिग्गज लोग थे वो संविधान नहीं लिख पाए, तो उस समय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा उस संविधान को। आज क्या वो बाबा साहब की जितनी भी जो वो लिखी हुई चीज़ें उसको बदल देंगे? किस आधार पर, कितने, क्या उनसे बढ़कर है ये? अगर देश के ये लोग, जो लोग कह रहे हैं कि हम संविधान को बदल लेंगे, तो ऐसी आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं, ये एस सी एस टी ओबीसी माइनॉरिटी समाज के जो लोग हैं एक ऐसा आंदोलन करेंगे। उस समय तो 32 करोड़ लोग भारत बंद के दौरान जो सड़कों पर आए थे, 32 करोड़ लोग आए थे, लेकिन एक ऐसा आंदोलन होगा कि पद क्या जो सत्ता है पूरी हिल जाएगी और शायद उस लायक बैठने लायक भी नहीं रहेंगे, क्योंकि जब एस सी एस टी ओबीसी माइनॉरिटी समाज के लोग अगर अपने उस पर आ गए ना, तो शायद बड़े बड़े जो लोग हैं जो कहते हैं कि हम हिंदूवादी देश बनाएंगे, तो ये गलत सोच हासिल करके बैठे हैं। संविधान को बचाने के लिए केवल एस सी एस टी ही आगे आ रहे हैं, जबकि 140 करोड़ को देश है, संविधान तो सभी के लिए लागू किया गया था। ये सबसे बड़ी कमी ये है कि ये जो संविधान है सभी के लिए करा गया है, उसमें हर महिला का उसमें रोल है, चाहे वो जनरल कास्ट की महिला भी हो, क्योंकि बाबा साहब ने ये नहीं कहा कि इसमें एससी एसटी ओबीसी मान लो। कहां रहे आगे आपके साथ उनकी जो पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसा नहीं है कि हर स्वर्ण जाति का जो व्यक्ति, हर व्यक्ति खराब है, हर व्यक्ति खराब नहीं है। ये वो लोग खराब हैं जो जातिगत मानसिकता से या जातिगत भेदभाव से पीड़ित हैं, जो करते हैं ये लोग, ये वो लोग हैं। हर स्वर्ण समाज का व्यक्ति गलत नहीं है, मैं इस चीज़ को कहती हूँ, और जो सही होंगे, जो अच्छे पढ़े होंगे, दिग्गज होंगे, वो जरूर हमारे साथ, क्योंकि आज भी आपने देखा होगा कि आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें मुसलमान भी हैं, उसमें क्या नाम है जो शर्मा है, तिवारी है, वो भी सब शामिल हैं। इस आंदोलन में भी सभी लोग शामिल होंगे। ये आंदोलन क्या है, सिर्फ उसका नहीं है, एस सी एस टी ओबीसी माइनॉरिटी समाज का नहीं है, देश के संविधान को बचाने का आंदोलन है। लेकिन बाबा साहब के संविधान की वजह से जो लोग सदन में पहुंचते हैं, 131 दलित सांसद हैं, 1100 विधायक पूरे देश की विधानसभाओं में, आखिर वो क्यों नहीं आ रहे हैं संविधान को बचाने के लिए? वो समझ लो, एक हमने कहा ना कि देश के अंदर कुछ ऐसे जो गद्दार होते हैं, जो हमेशा पद के जो वो होते हैं, पद पाने के लिए आगे फड़फड़ाते रहते हैं, ये वो लोग हैं कि हम लोगों का जो सहारा लेकर, जो एस सी एस टी ओबीसी माइनॉरिटी सहारा का लेकर हम लोगों बहका कर कुचला कर ये उस जगह पे पहुंच जाते हैं, लेकिन जब हमारी आवाज़ उठाने की बारी होती है तो ये उस जगह आवाज़ नहीं उठाते, क्योंकि ये बिके हुए लोग होते हैं। अगर उनमें से अगर जो भी सुन रहे हैं, तो उनको ये चीज़ चाहिए कि आज आपका समाज, अगर आज आप जागे नहीं तो आने वाला भविष्य जो है, हमें आज तो, हम तो आज तो जिंदा हैं, हम लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आपको पूछने वाला, आपको उठाने वाला भी शायद कोई नहीं रहेगा। यही लोग जो आपको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, यही लोग अपने, जैसे कहते हैं ना कि जो गद्दार होते थे पुराने जमाने में, ऐसा होता था पुराने समय में कि जो दलाल होते थे, जो किसी की चापलूसी क्या करते थे, उन्हें हाथी के नीचे दबाकर उसे मार दिया जाता था राजा के समय में, तो ऐसा ही होने वाला समय है। अगर आप अगर नहीं एक हुए तो ये जो दलालों को या इन जो चापलूसों को, जिन चमचों को, जैसे बाबा साहब काशीराम कहते थे कि इनको भी हाथी के पैरों के नीचे दबाकर मार दिया जाएगा, वो किसी भी रूप में हो सकता है। नए संविधान में महिलाओं की कैसी हालत देखती हैं आप फ्यूचर में? नए संविधान में आप देखते रहे, अभी तो पुराने संविधान में जो क्या नाम है, इतनी बुरी हालत है, तो आप हम नए संविधान को सोचते ही नहीं। जब हमारे पास संविधान है तो हम उसके बारे में सोचें क्यों, नए संविधान के बारे में बिल्कुल नहीं। हम इस क्वेश्चन का कोई हमें वो नहीं मिलता, क्योंकि हमारा संविधान ऑलरेडी बाबा साहब का दिया हुआ संविधान है, वो पूरी तरह से परफेक्ट संविधान है। लेकिन जिस तरह से बाबा साहब के साथ पास में 32 डिग्रियाँ थी, 9 भाषाओं का ज्ञान था, क्या ऐसा कोई आपको ज्ञानी बुद्धिमान आदमी दिखाई देता जो नया संविधान लिख देगा? ये तो वो सोचने वाले जो लोग हैं ना, वो जो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, वो उनको अगर इतनी पता होती कि बाबा साहब हैं कौन, अगर जानते, वो सोच रहे हैं कि बेवकूफ़ बनाकर संविधान को बदल देंगे, तो आप गलत फहमी में रह रहे हैं। आप वहीं बैठिए, जो आप लोगों को भड़काने के, कुछ लोगों से कुछ कहने से संविधान बदल नहीं जाता। आपको इतने सारे लोगों की आवाज़ को दबाने का कोई हक नहीं है। जब ये आवाज़ आगे बुलंद होगी, तो शायद, मैंने कहा ना आपको कि जो सत्ता है, मौजूदा सरकार है, चाहे दिल्ली की हो, जो भारत की सरकार है, वो हिल जाएगी। लेकिन 1949 से लेकर 2023 आ गया है,
बाबा साहब के खिलाफ और संविधान के खिलाफ संघ और बीजेपी हमेशा रही है। आप ये बताइए, अगर तो हमेशा हर उसमें परिस्थितियाँ होती हैं कि जब भी कोई एक अच्छा काम करता है तो उसमें क्या नाम है, उन लोगों के खिलाफ में नई नई लोग जो खड़े हो जाते हैं, तो ये चलता ही रहेगा। लेकिन हम लोग जो हैं, हम बहुजन समाज के लोग हैं, डरने वाले नहीं हैं। आप चाहे हमारे सामने कितनी भी मुश्किलें लेकर आ जाएँ, जब हमने ठान लिया, आपने देखा कोरेगांव, अगर हमने ठान लिया किसी चीज़ को तो हम गला भी काट सकते हैं, और अगर जब बात आती है शांति की तो हम चुपचाप उंगली रखकर मुँह पर बैठ भी सकते हैं। लेकिन मोदी साहब ने कहा था कि मैं संविधान की वजह से प्रधानमंत्री बना हूँ। मोदी साहब तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कहते हैं। मोदी साहब तो कहते हैं कि अमृतकाल चल रहा है। ये अमृतकाल ये है कि डॉक्टर ऋतु जैसी दिल्ली जैसे शहर में डॉक्टर ऋतु को क्या नाम है, प्रोफेसर पद से जातिगत भेदभाव के कारण उन्हें पद से हटा दिया गया है। तो ये सोचिए ना, मोदी जी पे तो जाइए मत। मोदी जी तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, वो तो महिलाओं को बेटी बचाओ का वो करते हैं, तो कौन सी बेटी बची है? आप मणिपुर की घटना को देखिए, वहाँ पे महिलाओं को नंगा लेके पूरा परेड करवाई जा रही है और मोदी साहब कुछ बोलते नहीं है, तो आप किस भारत की वो कर रहे हैं वो? 2 अप्रैल 2018 को बड़ा आंदोलन हुआ था, 12-13 लोगों की मौत हो गई थी सिर्फ एक एक्ट को लेकर। यदि संविधान बदला जाता है देश में, कैसा देखते हैं, क्या बड़ा आंदोलन होगा देश में? आप पहली बात है, बार बार ये कह रही हूँ कि आप इस संविधान को बदलने की बार बार बात कर रहे हैं, तो ये संविधान बदलने वाला नहीं है। ये गलतफहमी है उन लोगों की, क्योंकि जो बहुजन समाज है पहले शिक्षित नहीं था, अब बाबा साहब के संविधान की वजह से बड़े बड़े पदों पर है पहुंच गया और हम सब शिक्षित हो चुके हैं। तो वो गलतफहमी में ना रहें कि बदला जाएगा, बिल्कुल नहीं बदला जाएगा। हम जाग चुके हैं, हम पहले कम जागे हुए थे और पूरी तरह से जाग चुके हैं। हमने कहा कि हम चाहें तो हम सत्ता बदल दें। डॉक्टर ऋतु जो 2020 से एक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, और मामला उसमें यह है कि 2020 में वो एक दौलतराम एक कॉलेज है दिल्ली विश्वविद्यालय का, बहुत ही पॉपुलर कॉलेज है, जिसकी वो असिस्टेंट प्रोफेसर थी। उन्हें अच्छा पहनना ओढ़ना, जैसे कि हर व्यक्ति को एक शौक होता है, वो पहनती ओढ़ती थी, तो एक जातिगत मानसिकता की जिसे कहते हैं शिकार, एक वहाँ की जो प्रिंसिपल थी डॉक्टर सविता राय, जो उनको हजम नहीं हुआ, वो हमेशा किसी न किसी बात के लेकर उनको प्रताड़ित किया करती थी, और इसी प्रताड़ना को का घिनौना रूप एक साजिश का रूप बनाकर उन्होंने कुछ फर्जी दस्तावेज तैयार कर कुछ स्टूडेंट जो 35 स्टूडेंट थे उनके सिग्नेचर करवा के ये कह दिया कि ये जो प्रोफेसर हैं अच्छा नहीं पढ़ाते हैं। इनका चयन कैसे हुआ था? इनका चयन जो एक योग्यता होती है, योग्यता एडहॉक पे थे, तो एडहॉक वाले क्या योग्य नहीं होते? नहीं, कुछ कॉन्टैक्ट बेस पे होते हैं ना, तो कॉन्टैक्ट बेस पे होते हैं। आप ये बताएं, उसी कॉलेज में और भी टीचर हैं, कॉन्टैक्ट बेस पे सभी को रखा जा रहा है, और आखिर क्या नाम है, डॉक्टर ऋतु में ऐसी क्या कमी हो गई कि उनको छोड़कर बाकी लोगों को रख दिया गया? क्राइटेरिया पूरा करती हैं, पूरी क्राइटेरिया पूरा करती थी, अच्छा जिसे कहते हैं उनका जो एक कैरेक्टर है और उनका जो स्टडी शेड्यूल है सब कुछ, जिसे बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं, सिर्फ पसंद नहीं करती है तो डॉक्टर सविता राय जो दौलतराम कॉलेज की प्रिंसिपल थी। लेकिन मामला कोर्ट में चला गया है, अब तो कोर्ट पे विश्वास नहीं है आपको, जो लंबी प्रक्रिया चल रही है सुनवाई की? जी, कोर्ट से भी विश्वास है, न्याय पे पूरा विश्वास है, इस चीज़ के लिए मना नहीं है, लेकिन क्या आंदोलन करना, क्या किसी एक जो कंप्लेंट है उसका हक नहीं है? ये तो संविधान ने भी राइट दिया है कि किसी को भी अपने अपनी बात बोलने का अधिकार है, समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है। बात यहाँ पर रहती है कि जब कानून ने जब सबको समान अधिकार दिया है, संविधान सभी को समान अधिकार देता है, तो उस वक्त जब कोई व्यक्ति के खिलाफ कहते हैं कि जब FIR रजिस्टर हो जाती है, FIR रजिस्टर होने के बाद उसको जो SC ST Act कहता है कि SC ST Act में FIR रजिस्टर होने के बाद तुरंत ही जो एक्यूज्ड होता है उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, SC ST Act भी लग गया, उस जो प्रिंसिपल है उसकी गिरफ्तारी भी नहीं हुई, और यहाँ तक कि पूरी जो चार्जशीट है, एक बार चार्जशीट हुई तो जिसके अंदर उन्होंने कुछ नहीं किया पुलिस डिपार्टमेंट ने, जो ऑफिसर है, लेकिन फिर जो कोर्ट के संज्ञान में आया तो दोबारा से चार्जशीट इन्वेस्टिगेशन की गई और चार्जशीट फाइल की गई। उस चार्जशीट के अंदर जितना भी नेग्लिजेंस था डॉक्टर सविता राय का वो सामने आता है। चार्जशीट फाइल होने के बाद भी अभी भी अगर वो डॉक्टर सविता राय अपने पद पर है तो ये एक न्याय को झकझोरने वाला, कानून को तोड़ने वाला सबसे बड़ा उदाहरण साबित हो सकता है। तो मैं ये कहती हूँ कि जो ये डॉक्टर ऋतु की लड़ाई नहीं है, उस दिल्ली विश्वविद्यालय ना जाने और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर जो जातिगत जो भेदभाव किया जा रहा है, जहाँ पर जो स्टूडेंट हैं, जो वहाँ पे प्रोफेसर हैं, जिसे ये लेक्चरार हैं, वो किस तरह से सिसकियाँ ले रहे होंगे, उनका दम घुट रहा होगा जगह पे, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहे होंगे। लेकिन एक तरफ आपका जो केस जारी है कोर्ट में, सुनवाई चल रही है, एक तरफ आप आंदोलन करने जा रहे हैं, तो न्याय कहाँ से मिलेगा आपको? आंदोलन से न्याय मिलेगा, कोर्ट से न्याय मिलेगा? यहाँ पर बात नहीं है, जो कोर्ट की जो लड़ाई है कोर्ट की लड़ाई है, यहाँ पर
बात चली है कि वो पद पर क्यों है प्रिंसिपल, बात इस चीज़ की लड़ाई हुई, अभी तक उस प्रिंसिपल का निलंबन क्यों नहीं किया गया जो होना चाहिए था, उस VC को भी उसको भी निलंबित किया जाना चाहिए, आखिर क्यों नहीं हुआ, लड़ाई इस बात की है और इसी के लिए आंदोलन किया जा रहा है जिसमें पूरे देश भर के जो लोग हैं SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के जो लोग हैं उनसे अपील की जा रही है। जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति मर जाए और आप उसकी कैंडल उसकी आत्म उसकी हत्या हो जाए या वो आत्महत्या कर ले, वो उसके बाद आप कैंडल मार्च निकाल लें, एक जीवित व्यक्ति जो अपने न्याय की क्योंकि वो अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा, वहाँ पर जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में तमाम पढ़ने वाले जो बच्चे हैं जो शिक्षक हैं उनकी लड़ाई लड़ रही है कि उनको न्याय मिले। क्या आप ये चाहते हैं? आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ समाज के लोगों से, क्या डॉक्टर ऋतु भी रोहित मुल्ला की तरह मर जाएं तभी आप सड़क पे उतरेंगे? वो जीवित हैं तो एक जीवित व्यक्ति के साथ आप लड़िए और उसे न्याय दिलवाइए। जो कोर्ट में चल रहा है मामला उस पर आपको विश्वास नहीं है? बार बार हम ये कह रहे हैं कि कोर्ट पर तो हमें विश्वास है, बात हमारी आज लड़ाई ये है कि आखिर वो प्रिंसिपल जो कानून कहता है SC ST Act कहता है कि किसी को बेल नहीं दी जा सकती है, उसका क्या नाम है, तुरंत ही FIR रजिस्टर होने के बाद उसे जेल भेजा जा सकता है, यहाँ पर वो जो पुलिस है वो कहती है चार्जशीट फाइल जो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं मामले में, चार्जशीट फाइल की गई है नोट अरेस्टेड करके और ये उसमें दे दिया गया है कि मतलब वो स्पेशल पर्सन है। स्पेशल क्या कानून में कोई स्पेशल ड्यूटी लिखी हुई है कि वो स्पेशल पर्सन है? या अगर प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या न्यायाधीश या एक आम व्यक्ति अगर गलती करता है उसके लिए अलग कानून हो और जो जो अमीर लोग हों या जो क्या नाम है पढ़े लिखे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हों उनके अलग कानून है? ऐसा तो नहीं ना, कानून जो सभी के लिए संविधान ने सबको समान अधिकार दिया है तो सभी तरह जो एक्यूज्ड हैं तो उसको एक्यूज्ड ही माना जाए और उनको अपने पद से निलंबित करना दिल्ली यूनिवर्सिटी का फर्ज है जो अभी तक दिल्ली यूनिवर्सिटी चुपचाप बैठी हुई है, क्योंकि यहाँ हमें लड़ने की जरूरत नहीं होती, हम यहाँ पर सड़क पे उतरने की हम क्या नाम है डॉक्टर ऋतु को उतरने की जरूरत नहीं होती, समाज के लोगों को उतरने की जरूरत नहीं होती अगर न्याय मिल जाता तुरंत, क्योंकि न्याय की जो लड़ाई है बहुत ही लचर जो प्रक्रिया चलती है, तारीख पे तारीख बीत जाती है, सालों पे साल बीत जाते हैं, ना जाने इन सालों के बीच में कितना प्रेशर होगा, कितना पुलिस का शिकंजा होगा, बड़े बड़े जो उसके अंदर जो लिप्त क्या नाम है पॉलिटिशियन होंगे, तमाम जो उस पर जो प्रेशर डाला जाएगा, हो सकता है आने वाला जो जब तक न्याय मिले जब तक डॉक्टर ऋतु जिंदा ही ना बचे तब किस न्याय की बात कर रहे हैं? जो आरोपी क्या बेल पर हैं वो? यहाँ पे तो उसमें नोट अरेस्टेड कह रही हूँ, बेल की बात ही नहीं है, जो चार्जशीट फाइल की गई है नोट अरेस्टेड यानी उन्हें बेल भी नहीं, क्योंकि जब अरेस्ट होंगे उसके बाद बेल ली जाती है सर, यहाँ पे तो नोट अरेस्टेड है, यही तो बात है कि कानून को अलग अलग तरीके से क्यों नापा जा रहा है, बात इस चीज़ की है। डॉक्टर जब कानून कहता है कि SC ST Act जो एक स्पेशल एक्ट है उस स्पेशल एक्ट में FIR तुरंत रजिस्टर होते ही तुरंत ही जो एक्यूज है उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है, उसकी कोई एंटीसिपेटरी बेल नहीं होती है और उसको क्या नाम है इसके बावजूद, लेकिन डॉक्टर सविता राय के साथ एक अलग कानून का यूज़ किया जा रहा है। वो तो आपके खुद समाज के हैं, हमेशा आपने देखा होगा जब भी गला काटा जाता है या गला कटवाया जाता है तो हमारे ही समाज की जो लोग होते हैं जो ऑफिसर होते हैं उन्हें आगे कर हमारी गर्दन को कटवाया जाता है, कुछ दलाल किस्म के आपके चैनल के माध्यम से कह रही हूँ कुछ जो दलाल किस्म के जो लोग होते हैं वो अपने समाज का साथ ना देकर कुछ बिके हुए होते हैं जो उन लोगों से मिल जाते हैं और अपने ही समाज का शोषण करते हैं, तो उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जो गलत करता है। यहाँ पर बात उसकी नहीं है कि मेरा समाज आपका समाज, बात है कानून की, बात है संविधान की, जब संविधान के हिसाब से जब सभी के लिए कानून बराबर है तो डॉक्टर सविता राय के लिए अलग कानून क्यों?